नमस्ते, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। विराट कोहली के 94 रनों की नाबाद पारी से भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 में पस्त कर दिया। हैदराबाद में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने मैच को एकतरफा बना दिया। इसमें सबसे ज्यादा जिक्र जिस एक बल्लेबाज का हो रहा है वो है भारतीय कप्तान विराट कोहली। कोहली ने 50 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्कों के साथ ऐसी पारी खेली जिसके बाद ये बहस बिछड़ गई है कि क्या ये उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है। विराट की इस पारी के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी इधर उधर झांकते हुए नजर आए, लेकिन विराट कोहली की पारी से भी ज्यादा चर्चा में है मैच के बीच में उनका सेलिब्रेशन। दरअसल पारी के 13वें ओवर के बाद मानो विंडीज टीम ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। विराट कोहली ने अपने पारी की शुरुआत बेहद धीमी की। उन्होंने शुरुआती 30 गेंदों में धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन 13वें ओवर में वेस्टइंडीज के गेंदबाज केसरिक विलियम उनसे टकरा गए। इसके बाद विराट का वो रूप दिखा जिसे दुनिया का कोई भी गेंदबाजी अटैक नहीं देखना चाहता। इसके बाद अगले ही ओवर में जब केसरिक गेंदबाजी करने आए तो खुद उन्हें भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। पहले तो विराट ने ओवर की दूसरी गेंद पर ही लॉन्ग ऑन दिशा में एक खूबसूरत चौका मारा। इसके बाद भी विराट का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन दिशा में कलाई का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा छक्का जड़ दिया। ये छक्का इतना खूबसूरत था कि खुद कोहली भी इसका जश्न मनाने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने केसरिक के ही अंदाज में इस शॉट का जश्न मनाया। विराट ने अपने बल्ले को छोड़कर एक हाथ से नोटबुक सेलिब्रेशन मनाया जिससे हैदराबाद की भीड़ रोमांचित हो गई। उन्होंने पर्ची फाड़ने वाले अंदाज में ये जश्न मनाया। दरअसल ये सेलिब्रेशन वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज का ही सेलिब्रेशन है जिसे वो अक्सर CPL में भी करते दिखे हैं। लेकिन 2 साल पहले वेस्टइंडीज के जमैका में जब भारत को हार मिली थी तब भी विराट को आउट करने के बाद केसरिक ने नोटबुक सेलिब्रेशन मनाया था। छक्के के तुरंत बाद इस जश्न को विराट के जवाब के रूप में देखा गया। विराट ने मैच के बाद भी कहा, ऐसा पिछली बार जमैका में हुआ जब उन्होंने मुझे आउट किया था, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं ऐसा करूंगा। अंत में हम दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी और ये चीज़ सभी देखना चाहते थे। यही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट है। मैच के बाद आखिर में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विराट ने इस मैच के बाद एक और खास बात बोली है। ये बात है उनकी पारी को लेकर। खुद कप्तान कोहली अपने इस पारी से खुश नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो टीम को जीत दिलाने वाली इस यादगार पारी से निराश हैं, लेकिन वो अपनी इस पारी के शुरुआत से खफा है। विराट कोहली ने मैच के बाद इस बात का खुलासा किया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बात करते हुए विराट ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनके इस पारी के फर्स्ट हाफ को कोई भी युवा खिलाड़ी देखे और सीखने की कोशिश करे। विराट ने अपनी पारी के खराब हाफ के बारे में खुद बताया और कहते हैं, जो भी यंग बैट्समैन इस पारी को देख रहे थे पहले तो वो इसके फर्स्ट हाफ को फॉलो बिल्कुल ना करें क्योंकि वो बहुत ही खराब था। मैं गेंद को बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहा था, हमें बड़ा लक्ष्य चेस करना था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि राहुल को सपोर्ट दे सकूं, लेकिन शुरुआत में मैं इसे ठीक से नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद जेसन के एक ओवर में मेरी पारी का मोमेंटम बदल गया। मेरी पारी के दूसरे हाफ में मैंने ये एनालाइज किया कि मुझसे क्या गलती हो रही थी और फिर मैंने अपनी टाइमिंग पर ही ध्यान दिया जो कि मेरी ताकत थी। विराट कोहली ने इस पारी की शुरुआत 20 गेंदों में से 20 रन बनाए। इसके बाद उनके अगले 20 रन 11 गेंदों में आए। 31 गेंदों में 40 रनों तक पहुंचने वाले विराट ने अगले 54 रन महज 19 गेंदों में पूरे कर लिए जिसकी मदद से उन्होंने टीम को अहम जीत दिलाई और अंत तक नाबाद लौटे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। मैं हूँ विपिन और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं जेरी। शुक्रिया।